ये बदमाशी आपको कैसे सूझती थी और आप गलत कार्यों में कैसे लिप्त हो गए थे आपके तमाम मैंने वीडियोस देखे हैं बड़ी खौफनाक कई बातें उसमें आपने कही हैं क्या वो सब सच हैं नहीं ज्यादातर तो क्या सच ही है और मैं सच कहूँ कौन सच सी सच बात है? थी वो प्रेरित करती थी कि अब ये गलत काम करना है गलत नहीं उस वक्त सही रहा होगा मैं, मैं मैं उसको गलत इसलिए नहीं कहता क्योंकि हमारे देश में खासकर उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि मैं लोगों से यह कहूंगा कि जो आदमी अच्छा है सीधा है सच्चा है उसे ना परेशान करें हमारे पिताजी हमारी माता जी गांव से बीस साल बाहर रहे उन्हें कभी किसी ने गांव ही नहीं जाने दिया मैंने क्लास नाइन टेन तक कुछ किया ही नहीं हमको क्लास में लड़के हमारा बैग ले आके वॉशरूम में रखाते थे कोई टीप मार देता था कोई मेरे शर्ट पे पीछे से इंक फेंक देता था लेकिन जब मैं पहली बार कोतवाली पहुंचा आत्माराम दुबे जी कोतवाल थे गोंडा के उस वक्त और हमारे सोसाइटी में एक साहब रहते थे तो उन्होंने बचपन में कहीं एक हमको मार दिया था तो मैंने 11th में उनको बहुत मार मारा मुझे याद आ गई वो सामने पड़ा उनको बहुत मार मारा एफ आई आर हुई और तमाम क्लास नाइन्थ में उन्होंने आपको तमाचा मारा और आपने बदला कब लिया इलेवेंथ में दो साल बाद वो मारा तो जब मैं उन्होंने मारा क्यों था आपको कुछ तो गलती की ही रही नहीं कहेंगे तुम

और जैसे वो गेट पे पहुंचा था तो, तो इन्होंने एक तमाचा मारा खींच के उसके बाद तो फिर मैंने बहुत मार मारा वो अंदर की जो भड़ास थी कि तुम फर्जी कहा है मारे आपकी जिंदगी का पहला झगड़ा था ये पहला झगड़ा था जो थाने पहुंचे तो कोतवाली पहुंचा कोतवाली जब लौट गया तो लोग नमस्ते करने लगे भैया नमस्कार तब तबीदार ने आपको दो डंडे नहीं लगाए नहीं वो चूंकि फात्मा का नाम जानते थे तो उन्होंने मुझसे एक बड़ी अच्छी बात कही दुबे जी ने कहा देखो बेटा तुम पढ़ने लिखने वाले माता जी मेरी वकील है तो उन्होंने कहा लड़के हो और अच्छे स्कूल में पढ़ते ये सब नहीं करना चाहिए आई बनो कलेक्टर बनो जज बनो उनको क्या पता था कि आग भरी हुई है अंदर ये ये प्रतिवाद था ये तमन्ना बदमाश बनने की नहीं थी जब आपको कोई लगातार सताएगा परेशान करेगा तो मैंने जो बहुत अरसे बाद वो मूवी देखी घातक और सन्नी देवल को उसमें मैंने देखा कात्या को मारते हुए तो मैंने बड़ा रिलेट किया कि ये होता है